हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेसिडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मृत्युंजय कुमार, आई एम योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है और रूट्स का नेचर जो होता है किस पे डिपेंड करता है। हम लोग ऑलरेडी रूट फाइंडिंग हम लोग सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तीन मेथड था। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड था यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा था? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये था हमारा फॉर्मूला। तो ये जो रूट के अंदर है, रूट का अंदर पार्ट है उस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। कहीं कहीं पे आप देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a दिया हुआ रहता है। इसका मतलब ही है कि डी मीन्स डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट को डी से रिप्रेजेंट किया है और डी का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये और ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं ये कौन से मेथड से है? ये श्रीधराचार्य मेथड, इंडियन मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन थे, उनका ये दिया हुआ मेथड है। ठीक है, फॉर्मूला है। अब देखिए, जब किसी इक्वेशन में, कहीं भी मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर कोई रूट का पार्ट होता है, ठीक है, रूट का पार्ट होता है, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में जाएंगे तो कि किसी भी कोई भी इक्वेशन होता था, फंक्शन होता है, तो उसका जो रेंज, डोमेन, ये सब जो होता है वो उसके रूट वाले पार्ट में डिपेंड करता है। उसी तरीके से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उस इक्वेशन में फंक्शन भी एक तरह का क्या होता है? इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो इसके अंदर भी एक फॉर्मूला में रिजल्ट आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यानी हमारा जो रूट्स होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। कंक्लूजन तो निकालना बहुत कुछ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेचर ऑफ रूट होता होगा वो डिपेंड करेगा इसी पार्ट पे जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी मेनली रूट वाला पार्ट हम लोग का डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट्स। कैसे डिपेंड करेगा? देखिए, अगर रूट के अंदर वाला पार्ट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग एक बार, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये पूरा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंडिंग का। अब क्या क्या कंडीशन हो सकता है नेचर के लिए? पहला कि या तो ये जीरो हो जाए, तीन ही कंडीशन रूट के अंदर, या तो जीरो हो जाए, या ग्रेटर देन जीरो हो, या लेस देन जीरो। ये तीन ही कंडीशन नेचर ऑफ रूट्स के लिए है। तो पहला कंडीशन, अगर ये पूरा जीरो हो जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac=0 अगर हो गया तो, यानी ये वाला पार्ट पूरा जीरो, इसे मिटा दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं। जब जीरो हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी चीज़ में भी अगर जीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगा, तो ये भी हटा दीजिए प्लस माइनस। आपके पास बचेगा क्या रूट में? माइनस बी बाई 2a। और ये कितना रूट्स इसमें आया? सिर्फ और सिर्फ एक रूट है, एक रियल रूट है माइनस बी बाई 2a। यानी उस इक्वेशन जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रूट मिलेगा उसका, जिसका वैल्यू होगा माइनस बी बाई 2a। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac=0 हो जाना मतलब क्या है?
बी स्क्वायर, 4ac को उधर राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 4ac प्लस में, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यानी हमारा जो है कंडीशन बी स्क्वायर 4ac। अगर कहीं कहीं भी क्वेश्चन ये दिया रहता है, पूछेगा कंडीशन कि इस इक्वेशन का एकमात्र रियल रूट है, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो डायरेक्ट लिखना है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। आगे अगर हम करें तो बी इक्वल टू 2√ac, ये भी हो सकता है दूसरा कंडीशन, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है कम रियल रूट्स के लिए, जहां पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक रूट्स फाइंड हो रहा है वहां पे यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये अगर रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है मतलब इसका कुछ वैल्यू होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस, इसे हम डायरेक्ट डी लिख दे रहे हैं, तो डी बाई 2a। तो अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो यानी समथिंग इसका वैल्यू होगा, तो मेरा कितना रूट्स आएगा, दो रूट आएगा, एक एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। इस पे भी डी ग्रेटर देन जीरो में भी दो कंडीशन, अगर डी जो है परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये वाला पार्ट जो रूट वाला परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा, ये रेशनल रूट निकलेगा, रूट जो होगा हमारा रेशनल होगा। लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट हमेशा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल फॉर्म हो जाएगा, यानी रूट जो होगा इरेशनल होगा। तो अभी तक हम लोग सीखे दो कंडीशन नेचर ऑफ रूट्स के लिए, क्या पहला कि अगर रूट्स के अंदर वाला पार्ट जीरो हो जाए, यानी डी इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो ओनली वन रियल रूट, वन रियल रूट। दूसरा डी ग्रेटर देन अगर जीरो है तो इसमें से टू कंडीशन इसमें भी होगा, क्या कि अगर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर या इम्परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल होगा रूट, टू रेशनल रूट्स, और वो अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, टू अनइक्वल रेशनल रूट। अगर नॉन इम्परफेक्ट है तो वो टू इरेशनल, रूट्स का नेचर जो होगा इरेशनल होगा, और टू अनइक्वल होगा, यानी डिफरेंट रूट्स जो होगा वो इरेशनल फॉर्म में आएगा। तो ये दो कंडीशन। अभी तीसरा जो कंडीशन है कि अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी रूट्स के अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन जीरो, रूट वाला पार्ट जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन जीरो, तो यानी ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। मान लीजिए नेगेटिव सी है, सी ये दूसरा है, मान लीजिए एम है, ये पूरा वैल्यू मान लीजिए एम है, तो माइनस एम, तो नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, अभी आपको पढ़ना नहीं है, इस कारण मैं बता दे रहा हूँ कि जब हायर क्लास में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर का अगर आप रूट निकालेंगे तो वैल्यू आई के फॉर्म में आता है, यानी इमेजिनरी के फॉर्म में आता है आई, तो यानी ये इमेजिनरी हो गया। तो जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो हमारा रूट्स भी जो होगा वो इमेजिनरी होगा, क्या होगा, इमेजिनरी, डी लेस देन जीरो तो रूट्स जो होगा इमेजिनरी, और ये कि क्या होगा, आई के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मुझे अभी पढ़ना नहीं है, बस जान लेना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग तीन कंडीशन कि डी इक्वल्स टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। डी इक्वल्स टू जीरो तो क्या होगा, ओनली वन रियल रूट या तो टू इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है, ओनली वन रियल रूट क्या है, या टू इक्वल रूट्स, यानी दोनों रूट्स जो होगा इक्वल ही होगा, सेम ही होगा। दूसरा कंडीशन डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव में है
तो उसमें भी दो कंडीशन, या तो एक परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। अगर डी परफेक्ट है, स्क्वायर है, तो उसमें टू अनइक्वल रियल रूट आएगा। अगर और रेशनल होगा, अगर इम्परफेक्ट है तो टू रियल रूट आएगा डिफरेंट, लेकिन वो इरेशनल फॉर्म में होगा। तीसरा कंडीशन डी लेस देन जीरो यानी नेगेटिव पार्ट वाला, तो उसमें वैल्यू क्या होगा, रूट्स जो होगा इमेजिनरी होगा, नेचर क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, आई के फॉर्म में हो जाएगा। तो यही तीन कंडीशन है पढ़ना। नेक्स्ट ग्राफ से समझते हैं हम लोग रूट्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे कि जो हमारा जीरो हो रहा था वो ग्राफ से क्या था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस को या तो कट कर रहा था या टच कर रहा था, वही तो जीरो होता था। तो यहाँ भी जीरो क्या है, रूट है। तो यहाँ भी रूट क्या होगा कि जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा हो या टच कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो रूट्स होगा वो। तो ग्राफ हमारा क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या होगा, देखिए कि पहला तो ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो के रूप में ग्राफ क्या होगा। जब ए ग्रेटर देन जीरो तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, अगर ए लेस देन जीरो तो ग्राफ ऐसा होगा, यही तो होगा पहला कंडीशन। अब इसमें भी आ जाएगा कि डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, इमेजिनरी वाला पार्ट मुझे पढ़ना नहीं है। जब डी ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। बस अब खेल समझते हैं कि ग्राफ का क्या खेल है, इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी इजी है, समझ। तो देखिए अगर ए ग्रेटर देन जीरो, तो सबसे पहला तो ग्राफ जो पैराबोलिक होगा वो ऊपर की ओर खुलेगा, तो ऊपर की ओर खुला, ठीक है। अब डी ग्रेटर देन जीरो, इसी के अंदर डी ग्रेटर देन जीरो मतलब टू अन इक्वल रूट्स, रियल रूट, आइदर वो रेशनल या इरेशनल, लेकिन वो क्या होगा, टू अन इक्वल रूट्स होगा। यानी ग्राफ जो होगा ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, दो जगह पे वो कट करेगा। यानी ग्राफ ऐसा मिलेगा जहां पे वो एक्स एक्सिस को दो जगह वो कट करता हुआ नजर आएगा, ये इस कंडीशन के लिए, ठीक है। ये जैसे देखिए ए ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, उसी तरीके से ए लेस देन जीरो, डी लेस देन, सॉरी ए ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ए ग्रेटर देन जीरो नहीं, ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन। यानी ए लेस देन जीरो मतलब क्या, नीचे की ओर खुलेगा, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब टू अनइक्वल रूट, तो ये ग्राफ ऐसा कट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उसका रूट जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। अंतर क्या है, बस ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और एक ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। नेक्स्ट में क्या कंडीशन हो सकता है कि ए ग्रेटर देन जीरो बट डी इक्वल टू जीरो, ये होगा ए ग्रेटर देन जीरो डी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ तो हमेशा ऊपर की ओर, और डी इक्वल टू जीरो, जब डी हमारा जीरो हो जा रहा था रूट के अंदर वाला पार्ट, तो देख रहे थे कि ओनली वन रियल रूट हम लोग को मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक रूट। अब मुझे बताइए ग्राफ के अंदर एक रूट हमको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, यानी सिर्फ कंडीशन यही होगा सिर्फ और सिर्फ कि ग्राफ मात्र एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक जगह पे टच करेगा। अगर आप ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कट करवा देंगे तो ग्राफ ऐसा पैराबोलिक है कि वो दो जगह कट करेगा ही करेगा, तो ये तो नहीं होगा। तो होगा क्या कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक जगह पे मात्र टच करेगा, यानी ये अगर ऐसा हम लोग ड्रॉ कर दें ग्राफ, तो यानी ये जो पार्ट जो है ये टच कर रहा है, यही हमारा रूट है, ये हमारा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये वाला कंडीशन में, ठीक है। फिर क्या है, ए लेस देन जीरो कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो, सेम बस ग्राफ को नीचे की ओर कर देना है, तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा तीसरा जो ग्राफ है लेस देन जीरो वाला, डी लेस देन जीरो, इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी है, कुछ रियल नहीं है, या तो उसे हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि रूट है ही नहीं,
ठीक है, रियल रूट है ही नहीं। रियल रूट मतलब होने के लिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट होना है उसको, एक्स एक्सिस को या तो कट करना है या टच करना है, रियल होने के लिए, वास्तविक होना के लिए। लेकिन इमेजिनरी के लिए नहीं, यानी जो रियल नहीं वो क्या है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के लिए रियल अगर टच या कट कर रहा है तो इमेजिनरी के लिए वो टच या कट नहीं करेगा। तो जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के आइधर ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे है बन रहा है, यानी वो कट या टच नहीं कर रहा, तो यानी वो समझ लीजिए वो इमेजिनरी है, या कह सकते हैं उसका कोई रूट नहीं है। तो ये देखिए कंडीशन इमेजिनरी का, तो ये कंडीशन है ग्राफ के अंदर, हम लोग समझ सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि अगर आपको रूट दिया हुआ है, आपको रूट दिया हुआ है तो रूट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे हम लोग रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का हम लोग रिलेशन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी वाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी वाई ए होता है। ये तो हम लोग जानते हैं रिलेशन, जीरो में भी पढ़ रहे थे, जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक का। नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम रूट से बनाते हैं। तो रूट अगर दिया हुआ है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्म है। बस इस फॉर्म पे आप अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और ये भी कहाँ से आया है, आप जब देखेंगे कि जीरो जब हम लोग पढ़े थे, देखिए जब जीरो हम लोग पढ़े थे, जीरो हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे एक चीज ध्यान से अगर देखेंगे तो, यहाँ देखिए कि जब हम लोग ये रिलेशन जो निकाले थे उसके लिए हम क्या किए थे, फैक्टर को मल्टीप्लाइड कर दिए थे, यानी फैक्टर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स का वैल्यू ही तो मैं फैक्टर था, तो एक्स का वैल्यू जो था अल्फा और बीटा, यानी एक्स इंटू अल्फा और एक्स इक्वल्स टू बीटा, इसे हम लोग मल्टीप्लाइड कर दिए थे इक्वल्स टू जीरो करके। तो एक्स इक्वल्स टू अल्फा माइन बराबर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो, जब ये आप करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म आएगा। इसमें आप मान लीजिए के क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए जाए मैं कांस्टेंट ए वन मान लेता हूँ, यानी के का वैल्यू जब वन करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। जब ये करेंगे यानी ये क्या है, ये रूट है, ये क्या है, रूट है। अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो, यानी अल्फा और बीटा कह सकते हैं फैक्टर भी है। तो ये जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फैक्टर हो जाएगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला फॉर्म, यही दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो ये फॉर्म आएगा। तो आपको अगर रूट दिया हुआ है और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बाकी हम लोग प्री फाउंडेशन के लिए देखेंगे अगर कुछ होगा तो। ठीक है, थैंक यू।